हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? सुबह के बजे नौ, घड़ी तो है ही नहीं, क्या देखें। फिर भी लोग, सभी ब्लॉगर ऐसे ही करते हैं, कोई घड़ी नहीं होते फिर भी ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो सुबह के बजे नौ और सो पा चुके हैं। वैसे आज एक बहुत अच्छा दिन था, हमारे गाँव का पटवार भवन, बोले तो मॉडल पटवार भवन नाम करके एक, उसके बारे में मैंने आज ब्लॉगिंग की है। हमारे बनवारी जी गोरक्षा ने आज एक बहुत अच्छा कदम उठाया, पूरे पटवार भवन को एक अच्छे से एक नया रूप दिया उस पटवार भवन को। और उस भवन में चारों तरफ 151 पेड़ पौधे लगा के एक पटवार वाटिका, पटवार भवन के नाम से एक नाम दिया गया। उसमें तहसीलदार साहब, SDM साहब सभी उपस्थित थे। उसके बारे में मैंने व्लॉग बनाया है, थोड़ी बहुत क्लिक फोटोज जो भी मैंने, मेरे को प्राप्त हुई, मैंने उसके बारे में व्लॉगिंग की है। आप देखना, अच्छा लगे तो शेयर करना। और आने वाले हर गांव में पटवार भवन को एक ऐसा नया रूप मिले, मैं यही कामना करूंगा। और हमारे जैसे पटवार पटवारी आए, उससे हर गांव वाले, हर गांव में भी ऐसे ही पटवारी आए, तो मैं कामना करता हूँ आप सभी हमारे नागौर जिले के, बीकानेर, हमारे आसपास के नागौर, नोखा, बीकानेर, इधर जोधपुर, अजमेर साइड। तो ये नागौर तो एक राजस्थान का मध्य वर्ग, मध्य में आता है पूरे राजस्थान में, सबसे मतलब मध्य वर्ग में यही है। तो अच्छा नाम मिला मेरे, हमारे गांव के पटवार भवन को। SDM साहब बोल रहे थे कि पहला पटवार भवन है जो इतने मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है विद वाटिका भी। तो आप उसमें देखना, मैं आपको व्लॉगिंग करवाता हूँ, व्लॉग के जरिए मैं आपको मेरे पटवार भवन का व्यू दिखाता हूँ। आइए शुरू करते हैं। कुछ इस तरह के पौधे लगाए हैं यहाँ पे, नीम, ये पौधारोपण हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे ईंटों से पूरे पटवारी भवन में, पटवारी वाटिका, ये 152 पौधे लगाए हैं। ऑलरेडी लगे हुए थे पहले। हर पौधे के अंदर ऐसी ड्रिप चालू की हुई है, देखो इधर से ऐसी, यह छोटी छोटी ड्रिप चालू की हुई है हर पौधे में। 151 पौधे पूरे में ड्रिप चालू है, ऐसे पूरी तैयारी के साथ। ये नरेंद्र जी काम कर रहे हैं, पूरे में ड्रिप चालू है। ये इधर से लेके चारों तरफ, भवन के चारों तरफ ड्रिप चालू है, चलती रहेगी एनी टाइम, पानी देने की जरूरत नहीं है, अपने आप पानी ले लेगी। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। कार्यालय मॉडल पटवार भवन, गुड़ा भगवान दास। मैंने ये सारे काम शुरू किया था, और ये मेरे अध्यक्षदार जी पिताजी के अच्छे दोस्त भी है, और ओके साहब, भीरमा राम जी जानी साहब, अराई साहब, गणेश राम जी बेनीवाल, और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि रामूराम जी, पूर्व सरपंच गोविंद सिंह जी, उप सरपंच साहब और पूर्व सरपंच प्रवीण जी, और ग्रामीण समस्त बुजुर्गों को कि मैं चरण स्पर्श करता हूँ। आपने एक छोटे से आह्वान पे मेरे को 4,52,100 रुपए की राशि भेंट करके, और एक पटवार घर का जो
मेरे सपनों का पटवार घर था, वो आपने मेरे सपनों का पटवार घर बना दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ, पटवारी की तरफ से आपको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। कोई बंदा ये कह के नहीं जाएगा कि मुझे पटवारी चार बार बुलाता है, तीन बार बुलाता है। मैं एक बार में वाजिब काम पे एक बार में साइन कर दूंगा, बेग वाजिब काम आप 10 बार घूमोगे तो भी मैं नहीं करूंगा। ये मैं मेरे देशदार जी साहब के सामने वादा करता हूँ कि मैं आपको यकीन होगी, मैं पिछले 9 साल से खड़गाड़ी में सेवाएं दे रहा हूँ। एक साथ में थोड़ा दुख का विषय भी है कि खड़गाड़ी मेरा प्रिय सर्किल है और वो नागौर तहसील में चला गया, तो क्यों सिर्फ तहसील भी नहीं छोड़ सकता और खड़गाड़ी भी नहीं छोड़ सकता, दोनों चीजें हैं। अब तो गुड़ा में तो वहां मेरा दिल बसता है या मेरी जान बसती है, तो मैं दोनों सर्किलों को नहीं छोड़ना चाहता। अब कैसे होगा वो देखा जाएगा। आप सब लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया उसके लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, जिंदगी भर मैं ऋणी रहूंगा। और मेरा छोटा भाई भी आपके स्कूल में लेक्चरर के रूप में, राजनीति के लेक्चरर के रूप में कार्यरत है, वो भी आपकी सेवाओं में हमेशा तत्पर रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। आप सब लोगों ने मिलकर जो एक अच्छी पहल की, समस्त भामाशाहों का मैं हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आगे भी सार्वजनिक जगह पे कहीं भी, चाहे स्कूल हो, चाहे पंचायत हो, चाहे पटवार घर हो, जहाँ कहीं भी ऐसा प्रोग्राम चले तो आप बढ़ चढ़ के सहयोग करें। एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये आपने सुंदर पटवार घर बना दिया, अब पटवारी वाटिका लगा रहे, तो जहाँ भी सार्वजनिक जगहों पे पेड़ पौधे लगे आप सब लोग इकट्ठे होके और एक जजम पे बैठ के जहाँ भी पेड़ पौधे लगाए जाए वहाँ आप कहीं रोक टोक नहीं करें। चाहे कहीं भी लग रहे हो अच्छी जगह, पेड़ पौधे लगाना कोई बुरी बात नहीं है और पेड़ पौधे से गंदगी हटेगी बढ़ेगी नहीं, ये आप सब लोग जानते हो। तो मैं ग्रामवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी पेड़ पौधे लगे आप वहाँ पे रोक टोक नहीं करें। अगर आपको कोई रियली भी कोई समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ कोई अतिक्रमण कर लेगा या और कुछ कर लेगा, तो आप रोकिए। बाकी अच्छे काम के लिए आप सब सहभागी बनिए, एक जजम बैठ के काम कीजिए, जैसे आपने किया। सतीश कौम का सहयोग है मेरे इस पटवार घर में, मैं आभारी हूँ सतीश कौम का। और श्रीमान तहसीलदार जी रुगाराम जी सैन साहब, टंके की सफाई चलनी है, लो बनोरी जाओ वहीं जाओ, फुल एक्साइटेड है जाने के लिए भी। धीरे धीरे बनवा रही थी, धीरे धीरे आओ आओ आराम दो बोले बताओ से आई।